हिना खान अभी हाल ही में दो दो मुश्किलों से लड़ रहे हैं। एक तो उनके फादर नहीं रहे हैं, उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव भी हो गई थी, जिसके बाद वो अभी क्वारंटीन में है। हालांकि सोशल मीडिया से काफी दिनों से गायब है हिना खान, लेकिन एक चीज उनकी सोशल मीडिया में ऐड हो गई है, क्या है वो चलिए बताते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। हिना खान इज डेफिनेटली वन स्ट्रॉन्ग गर्ल। उनका जो बिग बॉस का सफर था, जहां पर हमको एक्चुअल हिना खान जानने को मिली थी, उससे पता चला था कि हिना खान किसी के आगे झुकती नहीं है, वो जो है डट कर खड़ी रहती है। शी इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, जिसके बाद उनको शेर खान भी बुलाया जाने लगा था। ऐसे में हिना खान अभी दो दो मुश्किलों से जूझ रही है, उनके उनके सामने डट कर खड़ी हुई है। ऐसे में जो है हिना खान ने अपनी इंस्टाग्राम बायो में एक चीज ऐड कर दी है, और वो है डैडीज स्ट्रॉन्ग गर्ल। जी हाँ, हिना खान अपने फादर के बहुत क्लोज थी। इनफैक्ट उनके फादर जो है उन्हें जमकर पैम्पर किया करते थे, चाहे फिर हिना के पीछे दवाइयां लेके दौड़ना हो, पानी लेके दौड़ना हो, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना हो, सब कुछ उनके फादर किया करते थे। बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह पाला करते थे। और अपने फादर को इस तरीके से खो देना हिना खान के लिए डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन शी इज डैडी स्ट्रॉन्ग गर्ल हु इज यू नो कोपिंग विद ऑल दिस स्ट्रेस, विद ऑल दीज बैड टाइम्स लाइक अ शेर खान। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने बिग बॉस की जर्नी को कोप अप किया था, जिस तरीके से उन्होंने बिग बॉस की जर्नी में बहुत लोगों को अपना मुरीद बना लिया था, इसी तरीके से इन रियल लाइफ मुश्किलों से भी वो उसी तरीके से जूझ रही है जैसे कि वो कोई शेर हो, और शेर खान तो वो है ही, तो हमें कोई डाउट ही नहीं है दैट हिना खान इज डेफिनेटली डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल। क्या कहना चाहेंगे हिना खान के इस एडिशन के बारे में उनकी सोशल मीडिया बायो में, जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।